दोस्तों, अगर आपका रेयर ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक में कभी कभी डस्ट आ जाता है, क्योंकि डिस्क ब्रेक जो है वो टोटली ओपन है, तो डिस्क ब्रेक में डस्ट आ जाता है, कभी ऑयल लग जाता है, कभी पानी लग जाता है, उसकी वजह से डिस्क पैड्स होते हैं वो थोड़े चिकने हो जाते हैं, उसमें मेटल पार्ट चिपक जाते हैं, डस्ट चिपक जाता है, उसकी वजह से जो डिस्क होता है जब आप लगा रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो कैसे उसको क्लीन करते हैं वो देखते हैं, तो चलिए जानते हैं। दिस इज माई न्यू कलेक्शन दोस्तों। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपको अपना नया कलेक्शन दिखाऊं, एंड ये जो है वो है मिनिएचर, जो कि 12 गुना छोटा है, मतलब वो मेरी जो बुलेट है उससे 12 गुना छोटा, एक सेम डिज़ाइन। आप जो डिटेलिंग देखेंगे, आप छोटी डिटेलिंग आप देखिए, इसका टैंक देखिए या फिर रेयर व्हील देखिए, सस्पेंशन जो है वो मूवेबल है, सस्पेंशन मूव करता है, व्हील जो है वो भी प्रॉपरली मूव करते हैं, हैंडल जो है वो भी मूवेबल है, एंड टैंक वैंक सारी डिटेलिंग, सीट जो आप देख रहे हैं, रेयर टेल देखेंगे, फ्रंट देखेंगे, हेडलाइट अगर मैं दिखाता हूँ आपको, हेडलाइट की जो डिटेलिंग अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ आपको, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये डिटेल देख के। एंड मैं आपको इसका बैक साइड भी दिखाता हूँ, कोई भी नहीं बोलता, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो फोटो लवर्स हैं, जो रॉयल एनफील्ड लवर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ये आया हुआ है हॉबी टॉयज से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आपको ये बाय करना है तो वहाँ से जरूर जाके बाय करिए, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, बिकॉज ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत लिमिटेड रहते हैं मार्केट में। जिनका भी रेयर डिस्क प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो उनके लिए ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, डिस्क पैड जो हैं उसको कैसे निकालते हैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। निकालना तो बहुत ईजी है उसको, दोनों के दोनों पैड, जिस पैड जो है वो निकल चुके हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, ये जो है चिकनाहट इसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से डिस्क जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। तो ये आपको सैंड पेपर से, ये जो सैंड पेपर आप देख रहे हैं, ये सैंड पेपर आता है 150 का, ठीक है, ये सैंड पेपर से आपको उसको रब करके जिसकी चिकनाहट है वो पूरी निकालनी होती है। तो मैं सामने करके दिखाता हूँ कैसे, ये दोनों के दोनों आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चिकने हो चुके हैं, आप देख सकते हैं शाइनिंग इस पर दिखाई दे रहा होगा आपको, चिकने हो गए। तो इसको हमको सैंड पेपर से अच्छे से लेके इसको, जिससे कि ऊपर वाले जो मेटल पार्ट है वो पूरा निकल जाए, जितने मेटल जो डिस्प्लेट होती है उसका मेटल जो होता है इसका चिपक जाता है। अब जो आप देखेंगे कि इसकी चिकनाहट जो है थोड़ी कम हो चुकी है, इसके बारे में देख रहा हूँ, तो ये जो कंपनी का आता है थोड़ा हार्ड भी आता है, तो उसके वजह से थोड़ा सा ज़्यादा आपको एकदम इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, मगर जो मेटल पार्ट है स्टार्टिंग में ऊपर जो है वो निकल जाता है। तो आप इसको फिट करते हैं, दोनों को मैंने एमरी पेपर मार दिया है, अब मैं इसको फिट करने वाला हूँ, और सेम आपको डिस्क, जो डिस्क है उसको भी क्लीन कर देना अच्छे से, सोपी वाटर से क्लीन कर दीजिए, फिर उस पर एक प्लेन कपड़ा मार दीजिए, दैट्स इट, वो साफ हो जाएगा। तो उससे आप अपने जो रेयर व्हील है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, उसका डिस्क जो है वो प्रॉपरली वर्क हो, तली से फिट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया वो कैसे क्लीन करते हैं, इसको क्लीन करना बहुत ही ईजी है, डिस्क पैड निकालिए, जस्ट उसको रब करिए सैंड पेपर से, जिसको एमरी वर्क बोलते हैं, एमरी पेपर सैंड पेपर से क्लीन करिए, दैट सेट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये करना बहुत ईजी है, जब भी सर्विस कराएं तो ये एक बार क्लीन करना चाहिए, एवरी 3000 किलोमीटर पे एक बार अपना जो डिस्क पैड्स हैं फ्रंट और रेयर दोनों के एक बार क्लीन करिए, ताकि वो जो चिकनाहट है उसके अंदर से निकले और आपका जो ब्रेक है वो थोड़ा सा प्रॉपरली लगे। तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आते रहेंगे, कमेंट सेक्शन टोटल ओपन है, अगर इसमें कोई आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं तो ज़रूर बताइए।